चलो लेट्स स्टार्ट। किसी को कोई भी डाउट है क्या? नहीं। सबको समझ में? हम लोग कल जो भी किए, क्योंकि कल का जो क्लास था इट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, एंड ये ऑनेस्टली आप लोग के पूरे एक्चुअल करियर का बेस है, नॉट जस्ट फॉर एसेट बट फॉर योर एंटायर एक्चुअल करियर। दिस एंटायर टॉपिक इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि सच बोलो तो प्रोबेबिलिटी इज समथिंग जो हर पेपर में है, विदाउट फेल एवरी सिंगल पेपर हैज सम प्रोबेबिलिटी इन इट, एंड कुछ कुछ पेपर्स तो 100% प्रोबेबिलिटी है एंड स्टैट्स है। चलो तो कल हम लोग किए थे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ यस मैम। तो कल हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स किए थे, एंड उससे हम लोग को पता चला था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स आर दोज रैंडम वेरिएबल्स जो स्पेसिफिक पॉइंट्स पे वैल्यूज लेते हैं, इट दे आर नॉट कंटिन्यूअस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किस पॉइंट पे, मतलब हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, करेक्ट? कि अगर आई एम सेइंग कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 10 कस्टमर्स आए एक दिन में, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं सिंस इट इज डिस्क्रीट। तो आज हम लोग उसी के ऊपर बिल्डअप करेंगे, एंड वी विल डू अ कॉन्सेप्ट, मतलब हम लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस, तब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं? कल हम लोग जो कर रहे थे इट वाज ऑल वेरी हे वायर, मतलब हम लोग एक बहुत ही जनरल फॉर्म में वी वर डूइंग कि कोई भी चीज हो सकता है, एंड उसका हम लोग कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन मन से बनाएंगे, एंड यूजिंग दैट वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, वी कैन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन, वेरियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है कि ओवर द टाइम यूजिंग और बाय ऑब्जर्विंग डिफरेंट थिंग्स पीपल हैव कम अप विद डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस। आई एम श्योर सब लोग नाम सुने होंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। स्कूल में जब हम लोग प्रोबेबिलिटी करते थे तो एक बाइनोमियल थ्योरम करके भी होता था, या बाइनोमियल मेथड करके होता था ऑफ सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस। तो उसमें उसका बेस वाज एक्चुअली अ डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ऐसे करके डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस आज हम लोग करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे करेंगे वी विल गेट अ हैंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज अ डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नाम से क्या लग रहा है? क्या होएगा इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगा? व्हाट इज द वर्ड सेम यूनिफॉर्म? प्रोबेबिलिटी सबकी। सेम प्रोबेबिलिटी, वेरी गुड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में जितना भी पॉइंट्स होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज ऑब्वियसली जब हम लोग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाए हैं सो देयर मस्ट बी सम पर्पस कि हम लोग उस डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेसिफाई क्यों किए हैं, वरना ऐसे तो अनकाउंटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस बन सकते थे। लेकिन वी हैव डिसाइडेड टू मेक डिस्ट्रीब्यूशंस आउट ऑफ सम कॉमन थिंग्स जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, हम लोग अगर डाई रोल किए तो सारे 6 नंबर्स आने का प्रोबेबिलिटी इज सेम विच इज 1/6। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज कि हर एक पॉइंट आने का प्रोबेबिलिटी इज द सेम, विच इज वाई इट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। एंड टुडे वी विल बी डीलिंग विद द डिस्क्रीट फॉर्म। एक कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म भी होता है जो हम लोग कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स में करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ यूनिफॉर्म डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे इफ वी रोल अ फेयर डाई तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी टेबल ऐसा बनता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट का प्रोबेबिलिटी इज द सेम। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर ये है, इससे आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल सकते हो, यस क्या मैम। होगा?
बताओ मेरे को क्या होगा वन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। इंटू वन बाई सिक्स प्लस टू इंटू टू नहीं नहीं इंटू आंसर बोलो करके कि एट क्या आएगा। सेवन बाई टू 7/2 मतलब 3.5। सबका यही आ रहा है एक्सपेक्टेशन। तो आप लोग कैसे निकाले एक्सपेक्टेशन, कैसे निकाले 1/6 इंटू 1 प्लस 1/6 इंटू 2 डॉट 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 1/6 इंटू 6। तो अगर इसमें से हम लोग 1/6 कॉमन ले लेते हैं तो वी विल बी लेफ्ट विथ 1 + 2 प्लस डॉट 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 6, है ना। तो ये क्या हो 3.5 रहा है एक्चुअल में, ये 6 अगर सपोज यहाँ पे तो 6 फेस्ड डाई था। लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट 5 सिमिलर कार्ड्स, मतलब अगर मेरे पास 5 कार्ड्स है और हर एक कार्ड को उठाने का प्रोबेबिलिटी इज सेम, तो मतलब कि हर एक कार्ड को उठाने का प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, 1/5 1/5 1/5। तो सबसे पहले तो ये बोलो कि 1/5 कैसे है। आप लोगों को कैसे पता है 1/5 है, क्योंकि मेरे को पता है कि 5 थिंग्स है तो हर एक को उठाने का 1/नंबर ऑफ थिंग्स ही होगा या नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा। तो कैन वी से कि जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होते हैं या फिर जो पीडीएफ होते हैं ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज 1/k, अगर k नंबर ऑफ पॉइंट्स है हम लोग के पास। यहाँ पे 6 पॉइंट्स था कि 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबल वैल्यूज था जो हम लोग का रैंडम वेरिएबल ले सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग का प्रोबेबिलिटी फंक्शन बिकेम 1/k। डू ऑल ऑफ यू अग्री विद दिस कि अगर एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है एंड आई हैव के पॉसिबल वैल्यूज दैट माई रैंडम वेरिएबल कैन टेक, देन माई पीडीएफ इज 1/k। पीडीएफ क्या बोलते हैं, कौन बोलेगा कि पीडीएफ को हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी फंक्शन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं। कल ही हम लोग किए थे 1/12 इंटू 8 - x वाला एग्जाम्पल किए थे, जिसमें हम लोग x की जगह 2 4 6 डाल रहे थे। तो हम लोग जब 2 4 6 डाल रहे थे तो हम लोग के पास क्या आ रहा था, जो वैल्यू आ रहा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं। कोई तो बोलो। हम लोग एक सम किए थे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/12 टाइम्स 8 - x, वेर एक्स इज इक्वल टू 2 4 6। किसको किसको याद है ये सम किया हुआ। इसमें हम किया था किया था तो हम लोग क्या किए थे इसमें, जब मैंने बोला था कि एक्स की जगह हम लोग 2 डालेंगे तो हम लोग का आंसर आ रहा था 8 - तो 1/2 प्रोबेबिलिटी ये 1/2 क्या है, है क्या चीज का प्रोबेबिलिटी है। कोई चीज का तो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी एक्स टू एंड का विल टेक प्रोबेबिलिटी है। एग्जैक्टली, एक्स टू विल टेक द वैल्यू 2, इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाले थे। हाँ तो ये क्या है, ये एक तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन था, दिस वाज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन जिसमें हम लोग एक्स का डिफरेंट वैल्यूज डालते हैं एंड फिर एक्स का वैल्यू डालने से हम लोग को मिलता है प्रोबेबिलिटी कि एक्स वो वैल्यू लेगा, राइट। यस देखो आज मेरा खुद का कैमरा ऑफ है, तुम लोग का भी कैमरा ऑफ है क्योंकि आज मेरे पास सिर्फ एक डिवाइस है, तो इसलिए प्लीज
ट्राई टू बी एज रिस्पॉन्सिव एज पॉसिबल, ताकि मेरे को समझ में आए कि आई एम बीइंग अंडरस्टूड. ओके, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन यही होता है कि हम लोग उसमें एक्स का वैल्यू अगर डालेंगे तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी मिलेगा दैट आर रैंडम वेरिएबल विल टेक दैट वैल्यू. हाँ, तो यहाँ पे मेरे को निकालना है कि मेरा रैंडम वेरिएबल ये ले वैल्यू, या फिर ये ले, ये ले, ये ले, या ये ले. तो ये मैं कैसे बोल सकती हूँ, कैन आई से कि मैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन या फिर सिंपली एफ एक्स इज इक्वल टू 1/6, क्योंकि इट डजेंट मैटर कि 1 to 6 के बीच में x कोई भी वैल्यू लेगा, मेरा प्रोबेबिलिटी फंक्शन का आंसर हमेशा 1/6 आना होगा, क्योंकि हर एक वैल्यू लेने का प्रोबेबिलिटी इज सेम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में. यस मैम. हाँ, सिमिलरली जब 5 कार्ड्स का हम लोग बात कर रहे थे, सो माय प्रोबेबिलिटी फंक्शन विल टेक द फॉर्म 1/5, क्योंकि इट डज नॉट मैटर कि मेरा कार्ड 1 हो या कार्ड 4 हो या कार्ड 3 हो, प्रोबेबिलिटी 1/5 पे कांस्टेंट रहेगा, है ना. तो कोई भी इसमें एक्स का फैक्टर ही नहीं है कि वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी चेंज हो रहा है, दैट डज नॉट प्ले अ रोल इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो लेकिन इवन तो दोनों यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस है, यहाँ पे 1/6 है और यहाँ पे 1/5 है, ये डिफरेंस किस रीजन से, क्या चीज है जो ये डिफरेंस कॉज कर रहा है कि 1/6 है फॉर अ डाई एंड 1/5 है फॉर 5 कार्ड्स. उसके आउटकम्स, उसके आउटकम्स या फिर जितना पॉसिबल वैल्यूज है मेरे रैंडम वेरिएबल के पास, डाई के टाइम मेरे पास 6 पॉसिबल वैल्यूज थे विच माई रैंडम वेरिएबल कुड टेक, लेकिन व्हेन आई केम टू द एग्जांपल फॉर कार्ड्स माई रैंडम वेरिएबल कुड ओनली टेक 5 वैल्यूज, है ना. यस मैम. इस कारण ये 1/5 है और वो 1/6 है. तो मतलब कि मेरा प्रोबेबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मेरा एक्स क्या वैल्यू ले रहा है, बट इट डिपेंड्स कि मेरे पास मेरे एक्स के पास क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं. तो लेट्स से इफ आई से कि एक्स कैन टेक के पॉसिबल वैल्यूज, तो मेरा प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या बनेगा. तो अब समझ में आया कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज 1/k. तो k क्या है, k हम लोग का पैरामीटर है. क्यों पैरामीटर है, क्योंकि k हम लोग पहले से डिसाइड कर सकते हैं. हम लोग बोल सकते हैं कि लेट से 6 है, 6 पॉसिबल वैल्यूज है, या 10 पॉसिबल वैल्यूज है. अगर 10 पॉसिबल वैल्यूज है तो मेरा प्रोबेबिलिटी फंक्शन विल बिकम 1/10. तो k को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर, और ये पैरामीटर क्या होता है, हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो बना लिए. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लोग बनाए, हम लोग बोले कि इसका खासियत है कि इसमें प्रोबेबिलिटी हर वैल्यू के लिए सेम होगा, लेकिन अब इसके अंदर भी तो सब डिविजन होगा, इसके अंदर भी सेम होगा वैल्यू, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कितना पॉसिबल वैल्यूज है वो चेंज होते रह सकते हैं. सो दैट इज द यूज ऑफ अवर पैरामीटर. पैरामीटर क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. तो इफ आई से माय पैरामीटर इज 6, तो मेरा प्रोबेबिलिटी फंक्शन विल बिकम 1/6. यस मैम. तो इसीलिए के को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज 1/k. सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अगर हम लोग देखें, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाज, अगर हम लोग के टर्म्स में वर्क करें तो क्या होगा, 1/k, 1 + 2 + 3 + 4, ये होगा हम लोग का एक्सपेक्टेशन. हाँ कि नहीं? यस मैम. यस मैम. वन आने का प्रोबेबिलिटी 1/k होगा,
टू आने का 1/k होगा, तो 1/k हम लोग जैसे यहाँ पे 1/6 कॉमन लिए, यहाँ पे हम लोग 1/k कॉमन निकाल लेंगे एंड अंदर में वी विल बी लेफ्ट विद दिस समेशन। ये समेशन का हम लोग फॉर्मूला किए थे 2 क्लास पहले, क्या है इसका फॉर्मूला? n in n into n plus 1/2, यहाँ पे n नहीं है और k into k plus 1/2। ये हो जाएगा। यस मैम। तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेशन इज गिवन बाय दिस। नाउ यू विल ग्रेजुअली रियलाइज कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पे फॉर समथिंग एज सिंपल एज दिस, एक डाई जैसा सिंपल एग्जाम्पल में भी आप लोग इतना कैलकुलेशन किए कैलकुलेटर पे, 1 × 1/6 प्लस 2 × 1/6 ऐसे कर करके एंड देन यू गॉट 3.5। लेकिन अगर आप लोग को पहले से पता होता कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एक जनरल एक्सपेक्टेशन फॉर्मूला होता है, तो आप लोग डायरेक्टली के की जगह में 6 डालते एंड आप लोग का एक्सपेक्टेशन आ जाता। यस मैम। तो इसीलिए दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेशन of a uniform distribution with parameter k. अब इसको हम लोग लिखते कैसे इस चीज को? हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग का जो x random variable है वो एक uniform distribution का है? ऐसे लिखते हैं, x follows uniform, and since हम लोग को हमेशा specify करने का एक ही चीज specify करना है which is k, क्योंकि हम लोग को देखना है अगर हम लोग एक die का बात करें तो हम लोग का k 6 होगा, अगर हम लोग 5 cards का बात करें तो के 5 होगा, तो वो के अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं विच वी हैव टू स्पेसिफाई, क्योंकि बिना उस के वैल्यू के वी कैन नॉट प्रोसीड। तो इसीलिए दिस इज हाउ यू डिनोट अ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। एक और फॉर्मूला लिखो, सीधा यहाँ से कॉपी करो, पहले ऊपर में लिखो x follows and then write कि ये PDF है, ये expectation है और ये variance है। हो गया सबका कॉपी? यस मैम। चैट बॉक्स मत यूज करो, मेरे को चैट बॉक्स नहीं दिख रहा आज। मैम एक मिनट। हाँ डन डन। अच्छा अब मेरे को एक बात बोलो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो उसका मोड क्या होगा? मल्टी मोड हो, सारा मोड ही हो, वो मल्टी मोड होगा, सारे ही हो, सारे ऑल द पॉइंट्स विल बी मोड्स, क्योंकि सबका प्रोबेबिलिटी है सेम है। अच्छा और उसका मीडियन क्या होगा? मीडियम क्या होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का?
विल इट नॉट बी द सेम एज द एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मीडियन क्या होएगा यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटीज का कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि सबका प्रोबेबिलिटी सेम है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज द नॉर्मल मीडियन का फॉर्मूला. यस मैम. प्रोबेबिलिटी में घुसे तो पहले का स्टेटिस्टिक्स भूल गए. दिस इज मीडियन का फॉर्मूला. यहाँ पे हम लोग सीधा ये फॉर्मूला डाल सकते हैं अपना एक्स वैल्यूज पे. तो अगर सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ डाई, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या होगा एन बाय एन प्लस वन एक्स वैल्यू. एन प्लस वन बाय टू एथ वैल्यू, आई मीन 3.5th वैल्यू. 3.5. दिस वॉज द सेम एज आर मीन. यस मैम. और अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी वाले उससे जाए, तो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में मीडियन कौन सा वैल्यू होता है हाफ वाला, जहाँ पे हाफ क्या क्या चीज हाफ होना चाहिए. लेफ्ट साइड में और राइट साइड में. लेफ्ट साइड में राइट साइड में हाफ हाफ होना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन हम लोग का क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी शुड बी 0.5. यस मैम. जिस पॉइंट पे हम लोग का क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 0.5 हो जाएगा, उसी पॉइंट पे ऐसा होगा ना कि राइट हैंड साइड पे हाफ वैल्यूज हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हाफ वैल्यूज हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग करें, ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी है. अब हम लोग को क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो क्या होगा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज. 1/6, 2/6, 3/6 यहाँ पे आ रहा, 4/6, 5/6, 6/5. 3/6 आया. हाँ. तो यहाँ पे हाफ हो रहा है, लेकिन हम लोग अज्यूम करते कि हाफ हाफ वैल्यूज यहाँ वहाँ होते हैं, इसी के कारण हम लोग का फॉर्मूला से 3.5 आते हैं और ऐसे काउंट करने से 3 आते हैं. बोथ आर करेक्ट. ओके. ये वाला सम करो. Honestly, uniform distribution in the discrete form, it is not something that is worth studying also. क्योंकि जब आप सम्स करोगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आपको लगेगा कि आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ही यूज करो, आपको फील भी नहीं होगा दैट यू आर एक्चुअली यूजिंग द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे ये वाला सम भी इफ यू ऑल विल डू, आप लोगों को नहीं लगेगा एक बार भी कि आप लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हो. वन बाय टू एंड वन बाय टेन. वन बाय टू एंड वन बाय टू ही होगा दोनों. वन बाय टू एंड 1/10, सबका यही आंसर आ रहा है. हाँ. यस मैम यही आ रहा. ठीक है, चलो अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशंस. सबसे पहले बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन. बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का खासियत क्या है कि अगर यू फेस अ प्रॉब्लम जहाँ पे टू ऑप्शंस हैं, कुछ भी हो सकता है वो टू ऑप्शंस. लेट्स से यहाँ पे हम लोग जैसे जो एग्जांपल लिए हैं कि इफ यू आर स्टक एट अ ट्रैफिक सिग्नल, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपको ग्रीन लाइट मिले या फिर आपको रेड लाइट मिले. हाँ, दोनों की प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म होगी. नहीं, जरूरी नहीं है. कैसे यूनिफॉर्म होगी? आप देखो, आप जब गए हो तो हो सकता है कि यू हैव सीन कि इसके जस्ट थोड़ा टाइम पहले ही वो ग्रीन हुआ था. तो हर सिग्नल का आपको पता है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं कि इस सिग्नल पे इतना देर तक रेड लाइट ऑन रहते हैं एंड इस सिग्नल पे इतनी देर तक ग्रीन लाइट ऑन रहते हैं. तो
इसलिए प्रोबेबिलिटी इज नॉट नेसेसरीली द सेम. यू विल बी फेस्ड विद टू सच सिचुएशन. यू विल बी फेस्ड विद टू सच सिचुएशंस जो दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी का नहीं है. बोथ आर डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज. तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वॉट वी डू इज वी कंसिडर वन इवेंट एज अ सक्सेस एंड द अदर इवेंट एज फेलियर. अब ये जरूरी नहीं है कि ग्रीन ही हमेशा सक्सेस होगा एंड नॉट ग्रीन ही हमेशा फेलियर होगा. इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है. अगर हम लोग को कहीं लेट जाना है, मतलब वी वॉन्ट कि हम लोग और लेट होए फॉर समथिंग, तो हम लोग के लिए उस टाइम पे सक्सेस विल बी गेटिंग अ नॉन ग्रीन लाइट. हाँ, तो तब हम लोग सक्सेस नॉन ग्रीन को लेंगे क्योंकि वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉन ग्रीन. एंड अगर हम लोग को हड़बड़ी हो रहा है तो हम लोग के लिए सक्सेस होगा, वी विल वॉन्ट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी कि इट इज ग्रीन. तो मान लो आप लोग एक ऐसे सिग्नल पे खड़े हो जहाँ पे लाइट ग्रीन होने का प्रोबेबिलिटी इज 0.6 एंड ग्रीन नहीं होने का ऑब्वियसली 0.4 होगा. तो अभी कौन बोला था कि हाफ हाफ होगा, दैट इज नॉट ट्रू. लेकिन ये दोनों मिलके एग्जॉस्टिव होने चाहिए. जरूरी नहीं कि हमेशा 0.5 0.5 ही हो, किसी भी रेशियो में हो सकते हैं दोनों प्रोबेबिलिटीज, लेकिन बोथ ऑफ देम शुड ऑलवेज एड अप टू वन क्योंकि और कोई इवेंट पॉसिबल नहीं हो सकते. तो जितना भी केसेस होते हैं, लेट्स से मान लो कोई एक बायस्ड कॉइन है, कोई अगर बायस्ड कॉइन है तो उसमें जरूरी नहीं कि हेड 0.5 टाइम्स ही आएगा और टेल 0.5 टाइम्स ही आएगा. इट कैन ऑल्सो हैपन कि इफ इट इज बायस्ड टूवर्ड्स हेड तो फिर हेड हो सकता है 0.7 टाइम्स आए एंड टेल्स 0.3 टाइम्स ही आए. तो उस टाइम पे वी यूज द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन. तो कैसे यूज होता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, अब मेरे को बोलो प्रोबेबिलिटी कि ग्रीन है क्या होगा. तो हम लोग एक चीज को सक्सेस बोल देते हैं क्योंकि हम लोग को तो इस फॉर्म में लिखना है ना, एक्स फॉलोज बर्नौली समथिंग. अंदर में भी हम लोग डिसाइड करेंगे कि पैरामीटर्स कौन सा है, इसमें क्या लगता है पैरामीटर क्या होगा. अब देखो ये तो पता है कि हम लोग को अगर एक का प्रोबेबिलिटी पता है तो दूसरे का बोलने का जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरा का वैल्यू हम लोग 1 माइनस करके निकाल सकते हैं. All of us agree on this कि we just need to know कोई भी एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी. Yes ma'am. Yes ma'am. तो हमेशा जिस इवेंट को अपना सक्सेस मानते हैं उस इवेंट के प्रोबेबिलिटी को वी कंसिडर पी. तो फेलियर का प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस पी, उसको वी डिनोट एज क्यू. एंड पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में आर ओनली पैरामीटर इज पी क्योंकि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग समझ गए दैट वी आर फेस्ड विद टू ऑप्शंस व्हिच आर बोथ एग्जॉस्टिव इन नेचर. लेकिन चेंज क्या हो सकता है कि हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है वो चेंज हो सकता है. अगर बायस्ड कॉइन का बात करेंगे तो 0.7 हो सकते हैं हेड अगर हम लोग सक्सेस मान रहे हैं. अगर हम लोग लाइट का बात करेंगे तो 0.6 हो सकते हैं सक्सेस क्योंकि हम लोग देखेंगे कि ग्रीन है कि नहीं. तो यू विल हैव टू स्पेसिफाई इन अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कि हम लोग सक्सेस किसको ले रहे हैं. तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी विल बी अगर हम लोग सक्सेस का प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं. अब देखो या तो सक्सेस हो सकते हैं या फिर सक्सेस नहीं हो सकते हैं, है ना, दो ही हो सकते हैं, इधर सक्सेस विल हैपन और इट विल नॉट हैपन. तो इफ इट हैपन्स देन
हम लोग का प्रोबेबिलिटी इज पी, एंड इफ इट डज नॉट हैपन, बहुत अनटाइडी हो रहा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी है, तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, p टू द पावर 1 एंड q टू द पावर 0. यस मैम. इसको कैसे लिखेंगे, p टू द पावर 1 q टू द पावर p माइनस 1 p टू, क्या वापस बोलो, p टू द पावर 0 q टू द पावर 1. p टू द पावर 1 क्यों होगा, p टू द पावर 1 होने से ही तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग का सक्सेस हो रहा है, तो इट विल बी, अगर सक्सेस हो रहा है तो ये है, फेलियर होने से ये है. अब ये 1 और 0 को हम लोग को देखना आएगा कि 1 और 0 को हम लोग कैसे देखें, तो वी से कि जो x है, x एक्चुअली डिनोट्स नंबर ऑफ सक्सेसेस. तो अगर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 निकालते हैं, हम लोग के सेम एग्जांपल में, ग्रीन लाइट रेड, ग्रीन लाइट एंड नॉन ग्रीन लाइट वाले एग्जांपल में, व्हेन आई एम सेइंग कि सक्सेस इज ग्रीन लाइट मिलना, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 कितना होगा. x इक्वल टू 0 मतलब है कि हम लोग का 0 सक्सेसेस हो रहा है. यस मैम. और 0 सक्सेस होना मतलब क्या होना, पावर 0 फेलियर, फेलियर होना, फेलियर होना. तो फेलियर होने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, q टू द पावर 1, q टू द पावर 1 q टू द पावर 0, ये होता है. एंड सिमिलरली इफ आई आस्क यू x इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा, p रेज़ टू पावर 1 अब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम क्या है कि इट ओनली टेक्स इनटू अकाउंट वन इवेंट, कि मतलब हम लोग सिर्फ एक बार ही अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हैं. अगर आप ट्राई करो कि आप मल्टीपल ट्रैफिक लाइट्स के लिए करोगे तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन आपको हेल्प नहीं करेगा. तो जस्ट लाइक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी आप अगर समझने का कोशिश करोगे तो यू विल गेट मोर कन्फ्यूज, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग लॉजिकली भी कर सकते हो इस चीज़ को, एंड वो ज़्यादा ईजी लगेगा. सबको ऐसा लगा कि नहीं लगा कि इतनी देर से मैंने जो भी समझाया वॉज यूजलेस, किसको किसको ऐसा लगा, प्लीज फ्रैंकली बोलो. नो मैम, नहीं लगा. नहीं लगा, अच्छा, तो मतलब यू विल यूज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन. अगर कॉन्सेप्चुअली अगर मैम जैसे अगर ये तो डेली लाइफ प्रॉब्लम है तो इजीली हो सकती है मन में, बट अगर कोई भी जैसे केस बनता है कि अगर मैम इसमें तो ग्रीन और नॉट ग्रीन था, अगर उसमें 3 पॉसिबल आउटकम्स आ गए तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है. नहीं, तो वही तो बात है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भाई, तो इसीलिए तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन यूजलेस है, क्योंकि उसमें आउटकम भी 2 हो सकते हैं, और कंडीशन अगर होगी तो फिर ठीक है, एक बार ही हो सकते हैं. तो इसलिए हम लोग रियलाइज किए कि हम लोग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बना तो लिए, क्यों बनाए, ताकि हम लोग एक जनरलाइज्ड चीज बना पाए. हम लोग को बस एक ग्रुप में डालना था सर्टेन इवेंट्स को, इसलिए हम लोग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बना लिए. बट उसका हम लोग रियलाइज किए कि एक्चुअल लाइफ में उसका कैलकुलेशन तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, करेक्ट. यस मैम. यस मैम. तो इसीलिए व्हाट वी केम अप विद इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, इट इज अ डेवलपमेंट ओवर द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, कि बर्नौली में हम लोग एक्सपेरिमेंट एक बार ही कर सकते,
यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट किसको बुला रहे हैं, जिस भी चीज को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, जैसे हम लोग का ग्रीन लाइट और नो, एक ट्रैफिक लाइट पे खड़ा होके ऑब्जर्व करना कि ग्रीन हो रहा है कि ग्रीन नहीं हो रहा है, इज एन एक्सपेरिमेंट. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अलाउज अस टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स. तो मतलब आप खड़े होके, सिटिंग एट होम ऑल्सो, अगर आपको पता है कि एक रेड लाइट और एक कोई भी एक सिग्नल पे रेड लाइट आने का प्रोबेबिलिटी, ग्रीन लाइट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है एंड ग्रीन लाइट नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, वो तो वन माइनस से निकल जाएगा. तो मतलब पी पी था ना हम लोग का ग्रीन लाइट आने का प्रोबेबिलिटी. यस मैम. तो अगर आपको पी पता है एंड इफ यू वॉन्ट टू नो कि लेट्स से आपको अभी यहाँ से मान लो कॉलेज जाना है, तो यू विल बी क्रॉसिंग 5 सिग्नल्स. अगर आपके घर से कॉलेज के बीच में 5 सिग्नल्स का गैप है, तो आपको घर पे बैठे बैठे एस्टिमेट करना है कि कितना सिग्नल्स पे आपको ग्रीन लाइट मिलेगा एंड कितना पे आपको ग्रीन लाइट नहीं मिलेगा. तो यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट 5 टाइम्स. यस मैम. एंड यू आर यूजिंग द प्रोबेबिलिटी पी टू कैलकुलेट कि आपको टोटल में कितना प्रोबेबिलिटी है ग्रीन लाइट मिलने का. तो यहाँ पे यू आर कंसिडरिंग 2 पैरामीटर्स. एक पी तो है कि क्या प्रोबेबिलिटी है एंड दूसरा पैरामीटर इज आपको कितना ट्रैफिक सिग्नल्स क्रॉस करना है. हो सकता है अभिषेक के लिए 5 ट्रैफिक सिग्नल्स हो सकता है भूमिका के लिए मान लो 7 हो, जैसलीन के लिए मान लो 10 हो, और कौन है क्लास में को याद नहीं है सच बोलो तो. प्लीज बुरा मत मानना इफ आई मिस्ड यू आउट, लेकिन मान लो सबके लिए अलग अलग होगा. लेकिन हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा बड़ा अजम्पशन यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं? एक ऐसा अजम्पशन जो रियल लाइफ में हो सकता है कि नहीं होगा ट्रू. उनके सारे सिग्नल ग्रीन ही हो. नहीं, ये अज्यूम नहीं करें कि सारे सिग्नल्स ग्रीन ही होंगे. दिस इज नॉट येट व्हाट वी आर अज्यूमिंग, क्योंकि ये तो हम लोग प्रोबेबिलिटी में यही निकाल रहे हैं ना कि हम लोग को एक सिग्नल ग्रीन मिलेगा कि 4 सिग्नल ग्रीन मिलेगा, ये तो हम लोग निकाल रहे हैं. और क्या हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं जो एक्चुअल लाइफ में जरूरी नहीं है कि होल्ड करें? टुडे इफ आई एम कंसिडरिंग 5 सिग्नल्स and I am just considering one probability P, तो am I not assuming कि हर एक सिग्नल पे ग्रीन लाइट होने का प्रोबेबिलिटी सेम है, क्योंकि वो पी का फैक्टर आई एम नॉट चेंजिंग. लेकिन मैंने बोला था कि ऐसा हो सकता है कि कोई एक सिग्नल पे 180 seconds के लिए रेड लाइट हो, कोई एक सिग्नल पे सिर्फ 30 seconds के लिए रेड लाइट हो, तो उससे आपका पी तो चेंज हो सकते हैं. लेकिन ये बाइनोमियल का ड्रॉबैक है कि बाइनोमियल अज्यूम्स कि हर एक एक्सपेरिमेंट के टाइम पे जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ अ सक्सेस दैट इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करो जहाँ पे द प्रोबेबिलिटी इज कॉन्स्टेंट फॉर एवरी एक्सपेरिमेंट. ये मत समझना कि बाइनोमियल और यूनिफॉर्म एक है. नहीं, यूनिफॉर्म में क्या था, यूनिफॉर्म में हर एक वैल्यू का प्रोबेबिलिटी सेम था. बाइनोमियल में हर एक हम लोग डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब हम लोग एन नंबर ऑफ ट्रायल्स कर रहे हैं सेम चीज का, एंड हर एक ट्रायल के टाइम पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस इज सेम. एग्जाम्पल करेंगे तो बेटर समझ में आएगा. जब हम लोग वहां किए थे तो हम लोग का 0.6 और 0.4 आ रहा था. यहाँ पे इन लोग ले रहे हैं 4 सेट्स ऑफ ट्रैफिक लाइट्स. तो ये ऐसे हो सकते हैं, जब एक हो सकते हैं कि आपको चारों ग्रीन मिले. हाँ, अगर हम लोग 4 सेट्स ऑफ ट्रैफिक लाइट स्टडी कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको चारों लाइट ग्रीन मिले, या हो सकता है आपको कोई 3 ग्रीन मिले, 2 ग्रीन मिले, 1 ग्रीन मिले, या फिर 1 भी ग्रीन नहीं मिले. यही 4 केस हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई केस तो हो नहीं सकता. यस मैम. correspondingly not green कितना होगा मेरे को बोलो.
वो भी सेम ही होगा। सेम सेम कैसे होगा? अगर ग्रीन जीरो है तो नॉट ग्रीन तो फोर हो गया ना, वो 4 3 2 1 0 ऐसे। तो ये केसेस बनेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें एक्चुअल में इतने सारे केसेस ये क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द ऑर्डर। हो सकता है कि जब आपको 3 green और 1 not green मिल रहे हैं तो आपको नहीं पता आपको कौन सा वाला नॉट ग्रीन मिल रहा है। हो सकता है आपको फर्स्ट वाला मिल रहा हो सकता है थर्ड वाला मिल रहा हो नॉट ग्रीन। तो ये एक और चीज़ है जिसको हम लोग को कंसिडर करना होगा। मम्मी ये तो वैसे ही है ना जैसे अगर हम 4 coins को उछाल रहे हैं। हाँ, तो मतलब 60 मैम अरेंजमेंट जैसा हो गया ना, परमुटेशन जैसा। वेरी गुड, यू आर वेरी क्लोज टू द नेक्स्ट डिस्कशन। हाँ, कॉम्यूटेशन नहीं कॉम्बिनेशन, इसका फॉर्मूला होता है ना एनपी एक्स। तो क्या हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करेंगे क्योंकि अरेंजमेंट तो ठीक है, अरेंजमेंट हम लोग को मैटर नहीं करता है यहाँ पे, लेकिन द फैक्ट कि डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकता है वो तो मैटर करते हैं। अरेंजमेंट क्या होगा ये हम लोग को नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हो सकता है इसके लिए हम लोग को कंसिडर करना होगा। तो मतलब कि अगर मान लो 4 options हैं मेरे पास ट्रैफिक लाइट्स के या सिग्नल्स के, उनमें से मेरे को कोई भी 3 को ग्रीन करना है, कोई भी 3 को आई कैन टेक ग्रीन। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि प्रोबेबिलिटी कि थर्ड वाला ही ग्रीन हो, ये तो कैलकुलेट करने बोला नहीं है, बस बोला है कि कोई भी 3 green है और 1 green नहीं है। तो यू विल पोटेंशियली चूज 3 out of 4। यस मैम, 3 out of 4 चूज करोगे। अब जो वो 3 चूज किए हो वो 3 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ग्रीन होने का होगा कि नॉट ग्रीन होने का? ग्रीन होने का। ग्रीन होने का तो ग्रीन होने का प्रोबेबिलिटी हम लोग ले रहे हैं 3 बार कि 3 lights ग्रीन होएगा। मतलब कि पहले आप लोग क्या किए, हम लोग के पास 4 traffic lights था, कोई भी 3 को we chose। अब ये 3 के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि this is green and this is green and this is green। याद है and के साथ हमेशा multiplication sign। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, 0.6 × 0.6 × 0.6 और लास्ट में जो यहाँ पे नॉट ग्रीन बचा, जो भी फोर्थ वाला होएगा वो नॉट ग्रीन बचा, उसका प्रोबेबिलिटी होगा 0.4। ये सिर्फ एक बार होएगा। तो इसको जनरलाइज करके बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बनते हैं फॉर द PDF। यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में क्या निकाले, ये जो 4C3 ये चीज निकाले हम लोग एक्चुअल में क्या निकाले कि प्रोबेबिलिटी कि हम लोग को 3 green मिले, यही निकाले ना? यस मैम यही निकाले। एंड हम लोग क्या ऊपर में क्या डिस्कस किए थे, एक्स डिनोट्स, व्हाट डज एक्स डिनोट? If I'm saying कि x follows binomial 4, 0.6, so what does x denote? Possible outcomes? No, x does not denote possible outcome. Number of success. Very good. X denotes number of successes. और यहाँ पे हम लोग का सक्सेस कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, क्या है हम लोग का सक्सेस? ग्रीन लाइट्स। ग्रीन लाइट आना इज अ सक्सेस फॉर अस। तो क्या ये चीज इज प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 1 की 3? 3। व्हाई नॉट 1? 1 तो मैम वो नोट ग्रीन की है। अब अगर सपोज आई वुड हैव रिटन एक्स फॉलोज बाइनोमियल 4, 0.4, गंदा बोर्ड है कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है, एक्स फॉलोज बाइनोमियल 4, 0.4, तो हम लोग का सक्सेस कैसे डिफाइन होता?
इसमें सक्सेस जीरो होगा, क्यों सक्सेस जीरो क्यों होगा? वो 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 0.4 आने की प्रोबेबिलिटी नोट ग्रीन की है, और वो चारों बार नोट ग्रीन आ रहा है। नहीं, वो चारों बार नॉट ग्रीन नहीं हो रहा है, एक बार तो नॉट ग्रीन हो रहा है। तीन बार ग्रीन हो रहा है और एक बार नॉट ग्रीन हो रहा है ना, तो यहाँ पे जी ये सर, बन जाता प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू वन वन तो हम लोग को पता कैसे चला कि हम लोग का सक्सेस ग्रीन लाइट है कि नॉट ग्रीन है? बाय सीइंग कि हम लोग पैरामीटर किसको ले रहे हैं। पैरामीटर जो होएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में टू पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर वन इज एन, विच मीन्स कि कितना ट्रायल्स कर रहे हो या कितनी बार अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हो। एंड सेकेंड पैरामीटर इज पी, विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस। तो ये टू पैरामीटर्स हैं। बाय लुकिंग एट पी वी कैन डिसाइड कि हम लोग सक्सेस किसको ले रहे हैं। अगर हम लोग पी 0.6 ले रहे हैं, इसका मतलब सक्सेस ग्रीन लाइट है। एंड अगर हम लोग पी को 0.4 लिख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग का सक्सेस नॉट ग्रीन लाइट है। हाँ, यस मैम। अब तुम लोग कॉपी क्या करोगे? ये वन माइनस पी की जगह में क्यू हो सकता है ना? 1 माइनस पी कैसे आएगा? क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर सक्सेस पी है तो फेलियर 1 माइनस पी है। और बाइनोमियल में टू ही थिंग्स हो सकते हैं, क्योंकि बर्नौली का एक तो डेवलपमेंट है, तो टू ही पॉसिबल केसेस है। या तो ये होगा या ये नहीं होगा। तो होना मतलब सक्सेस, नहीं होना मतलब फेलियर। हो गया सबका कॉपी? यस मैम। अब सिमिलर ये देखो, ऐसे हम लोग लिखते हैं एक्स फॉलोज बाइनोमियल पी एन कॉमा पी। सॉरी, अब जैसे हम लोग यूनिफॉर्म के लिए एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस का फॉर्मूला निकाले थे, वैसे ही बाइनोमियल का भी एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस का फॉर्मूला है। क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन पी एंड वेरियंस ऑफ एक्स। किसी को याद है स्कूल में किया हुआ क्या होता है? वो स्टैंडर्ड डेविएशन का डेफिनेशन, वो डेविएशन का स्क्वायर होता है या रूट होता है, कुछ नहीं, ना बता। वेरियंस नहीं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। सब स्कूल में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किए हुए एक्चुअली। प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ नहीं था ये सब, क्या? हम लोग यहाँ मैथ के कोर्स में ये सब नहीं था। ये होता है वेरिएंस, वेर क्यू इज व्हाट? कॉपी करो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स।
हो गया मैम। यस मैम। ये वाला करो तुम लोग। हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। क्या है आंसर? मैम फर्स्ट का 8.4 एंड सेकंड इज 2.52। 8.4 एंड 2.5 सबका ये क्या है? यस मैम यही आएगा। यस मैम। कोई प्रॉब्लम हुआ यूज करने में फॉर्मूलास या समझने में? नो मैम। ठीक है ये वाला कर। तुम लोग मोड मत निकालना, खाली मीटर निकालो। अच्छा तो मोड निकाल लो, देखते हैं।
मैम या मेडियन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? फॉर्मूला नहीं है, रेंज है। कोई बोल सकते हैं कि कैसे प्रोसीड करेंगे हम लोग? जो भी ट्राई कर रहे हैं वो कैसे करने का ट्राई कर रहा है? 3 + 1/2 3 + 1, वाह, हम मैंने अभी क्या बोला कि ब्रेन यूज करो। 3 + 1/2 कैसे हो सकता है, मोड या मीडियन या कुछ भी? यहाँ पे 3 क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स? हम लोग यूनिफॉर्म में ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे क्योंकि हर चीज होने का प्रोबेबिलिटी सेम था, लेकिन यहाँ पे तो पहले तो बोलो यहाँ पे एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं। एक्स क्या क्या वैल्यूज ले, एक्स क्या डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ सक्सेस। नंबर ऑफ सक्सेस तो कितना सक्सेसेस हो सकते हैं? 2 3 कभी भी अगर टोटल मतलब कितना पॉसिबल वैल्यूज है सक्सेस होने का, 3 खाली 3 क्यों? 0 सक्सेस भी तो हो सकता है ना? यस मैम। 0 सक्सेस हो यस सकता मैम। 1 सक्सेस हो सकता है? यस मैम। 5? नो मैम, 5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक्स तो 3 ही सक्स वैल्यूज ले सकता है। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग 3 बार ट्रायल्स कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट को 3 बार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि 3 का 3 बार हम लोग फेल हो जाए, तो मतलब सक्सेस 0 होएगा। हो सकता है 1 बार फेल हो जाए, 2 बार सॉरी 1 बार सक्सीड हो जाए और 2 बार फेल हो जाए, या फिर 2 बार सक्सीड हो जाए या फिर 3 बार सक्सीड हो जाए। तो एक्स हम लोग का ये सारा वैल्यूज ले सकते हैं? यस मैम। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है एक्स 0 लेगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि 0 सक्सेसेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर 0 सक्सेसेस? p^0, q^1 और एन सी एक्स वाला पार्ट कहाँ गया? PDF क्या था बाइनोमियल का? एन सी एक्स p^(x)(1 - p^(n-x) तो इसमें डालो, यहाँ पे एक्स क्या लेगा, फर्स्ट केस में एक्स क्या लेगा? 0। और एन क्या लेगा? थ्री तो निकालो तीनों का वैल्यूज, निकालो या चारों का आई मीन। कितना आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0? मैम 0.324 0.324 0.512 किसका आया? 0.324 कैसे आया? क्या क्या नहीं, मेरा 512 आया।
नहीं आप ओ आई एम सॉरी, मैं वो गलती से क्यूब गलत कर दिया मैंने, इसलिए आया है, बाकी तो मैंने सेम मेथड लगाया। एक्स इक्वल टू वन का नहीं आया किसी का अभी तक। 0.384 सबका आ रहा है, कोई भी ऐसा है जिसको प्रॉब्लम हो रहा है निकालने में तो प्लीज बोलो। निकालने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा, वो थोड़ी अभी कैलकुलेटर नहीं है तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर बीइंग एबल टू डू द सम इज व्हाट मैटर्स। अब मैम थर्ड मेरे का 0.096, को फोर्थ का ठीक है, चलो जिन लोगों को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है बट फॉर्मूला समझ में आ गया, उन लोग अब कैलकुलेट करना छोड़ो, वैल्यूज कॉपी करो। मैंने लिखा है, मेरे को ये बोलो मोड क्या होएगा ये सब में से। मोड का डेफिनेशन क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मोस्ट अकरिंग वैल्यू। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी है, तो हाँ मतलब ऐसा वैल्यू जिसके आने की प्रोबेबिलिटी विच सबसे हाईएस्ट है। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0, वैल्यू क्या होगा? 0.512। नहीं, वो मोड नहीं होता है। मोड इज द वैल्यू विच एक्स इज टेकिंग, विच मीन्स द मोड इज इक्वल टू 0। मतलब कि मोड क्या है कि हम लोग का जीरो सक्सेसेस हो, इसका प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है। और मीडियन कैसे निकालते हैं हम लोग? मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे हम लोग का CDF 0.5 होए। अब तुम लोग जब भी मैं पूछूं मीडियन कैसे निकालते हैं, नेवर से मिडिल वैल्यू, ऑलवेज से ऐसा पॉइंट जहां पे हम लोग का CDF 0.5 होए, है ना? ये भी तो हम लोग कल सीखे थे कि CDF 0.5 होने से वो मीडियन हो जाता है, राइट और रॉन्ग? यस मैम, राइट। हाँ, तो यहाँ पे CDF 0.5 कब होते हैं, किस वैल्यू पे? डोंट गेट इनटू डेसिमल्स, खाली 0 1 2 3 में से बोलो कौन से वाले पे होगा 0.5। टू 2 पे होगा। इस इंसान को देखने के लिए मेरे को ऑनलाइन ही आना पड़ेगा, शक्ल देखो, कौन बोला 2 होगा? बाकी लोग को क्या लगता है? जीरो पे होगा शायद, एक्स इक्वल टू 0। हाँ, क्योंकि हम लोग का पीडीएफ है। सीडीएफ कैसे निकालते हैं पहले तो ये बोलो। डेफिनेशन सीडीएफ कैसे निकालते हैं? हंसो मत, बोलो सीडीएफ कैसे निकालते हैं? क्या इतना सिंपल चीज है, पीडीएफ को क्यूमुलेटिवली ऐड करके, जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को रो बाय रो ऐड करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, वैसे हम लोग क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी पीडीएफ को रो वाइज ऐड करके निकालेंगे। हाँ कि ना? यस मैम, यस मैम, तो हम लोग का CDF 0.5 तो एक्स इक्वल टू 0 पे ही आ चुका है, उसके आगे तो हम लोग का CDF 0.5 के और बड़ा ही होगा, तो 2 कैसे हो सकते हैं? फॉर दैट मैटर 1 भी कैसे हो सकते हैं? 0 पे तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी 0.5 टच कर चुका है, इसलिए हम लोग का मीडियन यस मैम, 0.5 है। ओके, क्लियर है सबको ये? यस मैम, क्लियर है। अब ये वाला सम करो। कल जो हम लोग किए थे उस चीज को भी दिमाग में रखना कि हम लोग लेस देन कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में, मोर देन कैसे निकालते हैं, ये सब याद रखना। एक सेकेंड।
करो जल्दी से करके बताओ मेरे को क्या होगा। देना देख क्या से अभी उस कमरे का है। हो गया तुम लोग
मैम फर्स्ट का 0.2336। सेकंड देखें, बाकी लोग का क्या आ रहा है? मैम फर्स्ट वाले का आ रहा है 0.2055। फॉर्मूला क्या लगाया है? मेरे को एक बार बोलो। वही मैम NCX, PX, P^(x)^-P^(x)^-1 वैल्यूज डाल के बोलो। और 9 6 के लिए करो 9C6। और P^(x)^6 और 0.75 P^(x)^6 0.2 P^(3। इससे तुम्हारा क्या आ रहा है? 0.2 0.2055। नहीं, तब तुम्हारा कैलकुलेशन में कुछ एरर हुआ, क्योंकि फॉर्मूला तो एकदम परफेक्टली लगा है, बट इसका आंसर 0.2336 ही होना चाहिए। अभिषेक का करेक्ट आया। नहीं मैनुअली करा शायद इसलिए कुछ जी, इसीलिए हो सकता है। ठीक है, बट एज लॉन्ग एज ये फॉर्मूला ठीक है, कैलकुलेटर आने से हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट बोलो। नेक्स्ट पार्ट का आंसर 0.775। जीरो पॉइंट सेवन सेवन फाइव ये कैसे आया? 1 - P^(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 1 - P^(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है। 1 - 9C8 0.75 to the power 8 0.25। और अरे तो ये इक्वल टू थोड़ी ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इसमें नाइन वाला केस भी तो आएगा, वो भी तो माइनस होएगा। दिस इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 9, क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 में कौन कौन सा पॉइंट्स आ रहा है? 8 और 9 दोनों आएगा। यस मैम तो ये होगा, तो x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 9 तो निकाल लोगे, और यस मैम ये क्या होएगा? इसको इस फॉर्म में खाली मेरे को एक बार बोलो, इसमें कौन कौन सा पॉइंट आएगा x का? P^(x)^2। नहीं, इस फॉर्म में बस मैं कोई ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? देखो यहाँ पे हम लोग कैसे निकाले? हम लोग को पता है एक्स लेस देन 8 चाहिए, तो मतलब एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? 0 to 7 0 to 7 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या किया, हम लोग 1 - 8 और 9 को बस हटा दिए। ये लॉजिक यूज किया हम लोग यहाँ पे। यस मैम यहाँ पे एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? एक्स को 2 3 4 2 3 4 4 नहीं ले सकता, 2 और 3 ले सकता हूँ। तो इजन दिस एक्चुअली ये नहीं है, तो यस मैम इसमें इतना झंझट का कुछ काम ही नहीं है। देखने में लग रहा कितना डिफिकल्ट होगा, लेकिन एक्चुअल में इफ यू थिंक लॉजिकली कि एक्स का कौन, क्योंकि देखो ये डिस्क्रीट है, हम लोग लास्ट क्लास में बोले थे कि ये डिस्क्रीट हम लोग बात कर रहे हैं, तो डिस्क्रीट में हम लोग के पास ये एडवांटेज रहते हैं कि हम लोग खाली पॉइंट्स को कंसिडर कर सकते हैं, राइट? समझ में आया कि हम लोग ये क्यों कर पाए? यस मैम ठीक है, मेरे को सिर्फ दोनों लड़कों का आवाज क्यों आ रहा है? अदिति आप भी हो ना क्लास में? यस मैम समझ में आ रहा है? प्लीज मेरे को सच सच बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्चुअली मैम कल वाले क्लास में वो डिस्कनेक्ट हुए थे, तो थोड़ा थोड़ा कल का मुझे पता नहीं है। बट ऐसे ऊपर ऊपर से समझ में आ रहा है एक बार के लिए? क्योंकि देखो
डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा चीज है जिसमें आप जैसे जैसे सम्स करोगे ना वैसे वैसे यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। बट मुझे तो मेरे को भी आज आप लोगों को समझाने में भी आई एम हैविंग टू थिंक ट्वाइस क्योंकि इट इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। बट वंस इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू ना देन आप लोग को यूज करने में उसको कोई हिचक नहीं आएगा। तो इसलिए इसका जब असाइनमेंट्स बन के आएगा तब आप लोग देखोगे कि करते करते अपने आप लोग को सारा डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है। ठीक है एक लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन आज का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बाइनोमियल बर्नौली यूनिफॉर्म। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहले तो पर्पस क्या है? हर डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग पर्पस समझे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज फॉर एक्सपेरिमेंट्स जिसमें हम लोग देखना चाहते हैं रेट। रेट मतलब क्या कि मान लो एक इंश्योरेंस कंपनी है तो वो देखना चाहते हैं रेट ऑफ क्लेम्स कि एक दिन में कितना क्लेम्स आ रहे हैं, एक दिन में कितना क्लेम्स आ रहे हैं। अगर उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है इंश्योरेंस कंपनी को देन दे विल यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर अगर कोई हम लोग एयरपोर्ट का बात कर रहे हैं तो अगर किसी एयरपोर्ट को स्टडी करना है कि एक घंटे में कितना प्लेन्स आ रहा है, कितना प्लेन्स लैंड कर रहा है, कितना प्लेन टेक ऑफ कर रहे हैं एयरपोर्ट से, तो उन लोग यूज करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 3 प्लेन्स विल टेक ऑफ इन दिस 1 आवर। ठीक है तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक पैरामीटर होगा क्योंकि ये तो हम लोग जनरलाइज कर लिया कि हम लोग क्यों यूज करते हैं, लेकिन हर एक केस के लिए एक पैरामीटर हम लोग को डिसाइड करना होगा। अगर हम लोग एयरपोर्ट का बात कर रहे हैं तो वी विल हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज द पैरामीटर फॉर कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ प्लेन्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम देयर। या फिर अगर हम लोग इंश्योरेंस कंपनी का बात करें तो हम लोग को एक पैरामीटर डिसाइड करना होगा जिसको यूज करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी कि आज 10 क्लेम आएगा या आज 15 क्लेम आएगा या आज एक भी क्लेम नहीं आएगा। हम लोग को काम तो यही करना है ना कि हम लोग को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है कि कितना क्लेम मतलब कोई एक नंबर ऑफ क्लेम्स आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यस मैम, ये हम लोग यूज करते हैं एक पैरामीटर विच इज कॉल्ड लैम्डा या फिर म्यू। ऐसे हम लोग उसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं लेकिन जनरल फॉर्म में जैसे बाइनोमियल में एन कॉमा पी बोलते हैं, पॉइजन में भी सेम एक्स फॉलोज पॉइजन लैम्डा या फिर पॉइजन म्यू। लैम्डा एंड म्यू बोथ आर एक्सेप्टेबल वेरिएबल्स फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम लोग को समझ में आ गया कि पैरामीटर एक है, सिंगल पैरामीटर होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। अब ये पैरामीटर हम लोग को एक्चुअल में बोलता क्या है, ये पैरामीटर होता क्या? दिस पैरामीटर इज द मीन या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ हम लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बोलते हैं इफ वी वांट टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज एयरपोर्ट में एक घंटा में कितना फ्लाइट टेक ऑफ कर रहे हैं, तो हम लोग पैरामीटर उस चीज को लेंगे कि एट एन एवरेज कितना प्लेन्स टेक ऑफ करता है एक घंटा में उस एयरपोर्ट से, उसको हम लोग अपना पैरामीटर पकड़ते हैं। तो ऑब्वियसली अब तुम लोग पूछोगे कि एक्सपेक्टेशन तो हम लोग ये यूज करके कैलकुलेट करने वाले थे हर जगह, तो हम लोग एक्सपेक्टेशन के लिए एक फॉर्मूला निकाले ताकि हम लोग एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर पाए। तो आगे जाके यू विल स्टडी कि हम लोग ऑब्जर्वेशन से पहले बेस करके हम लोग एक एक्सपेक्टेशन निकालते हैं एंड यूजिंग दैट देर आर डिफरेंट मेथड्स जिससे हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि हम लोग का पैरामीटर क्या होना चाहिए। ठीक है तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज में अभी जाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी के लिए हैव यू अंडरस्टूड कि पॉइजन क्यों यूज होता है एंड पॉइजन में सिर्फ एक वेरिएबल होता है विच इज लैम्डा। नेक्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज द पीडीएफ ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पीडीएफ क्या होगा? प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो इसमें हम लोग का एक तो पैरामीटर होगा लैम्डा और एक होगा हम लोग का एक्स। ये टू वेरिएबल्स होगा कि लैम्डा का वैल्यू चेंज हो सकता है और एक्स का वैल्यू चेंज हो सकता है। एकदम ध्यान से पीडीएफ को पहले कॉपी करो फिर आई विल एक्सप्लेन कि इसको यूज कैसे करते हैं।
डन। यस मैम। कॉपी कर लियो। अब पहले इसका एक तो हम लोग सम करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू डिफरेंट थिंग्स इसका। ये करो। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज देखो, हम लोग को ये पता है कि पैरामीटर से हम लोग जैसे बाइनोमियल में हम लोग बोल सकते थे कि नंबर ऑफ सक्सेसेस मैक्सिमम कितना हो सकते हैं, है ना, ये हम लोग बोल सकते थे। तो इसीलिए जब जो सम था प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 8, इस सम में हम लोग बोल सकते थे कि 8 हो सकते हैं और मतलब 8 और 9 नहीं हो सकते, लेकिन पॉइजन में हम लोग ये नहीं कर सकते क्योंकि पॉइजन में एक्स के वैल्यू पे कोई लिमिट नहीं लगा हुआ है, राइट? कोई लिमिट लगा हुआ है वहां पे? तो लिमिट लगा हुआ था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सक्सेसेस 9 हो सकते हैं, यस मैम, लेकिन यस यहाँ मैम। पे कोई लिमिट नहीं है। तो ये याद रखना कि एक्स 0 से स्टार्ट होगा, 0 से कम कभी भी नहीं हो सकता। एक्स 0 से लेके इन्फिनिटी कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं वैल्यू में, फॉर दैट मैटर एक्स नेगेटिव भी हो सकता। नहीं, एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक्स विल ऑलवेज बी 0 से इन्फिनिटी, बट नेचुरल नंबर्स मतलब बेसिकली ऑल होल नंबर्स। ओके, तो बोलो, अब यस मैम। ट्राई टू डू 8.16 करने का ट्राई करो। मैम 0.07 वापस बोलो। फर्स्ट पार्ट हुआ, वो ए की वैल्यू 2.7 होती है ना। पास साइंटिफिक कोई भी कैलकुलेटर नहीं है। नहीं मैम, वो अभी मैंने यहाँ पर कहीं मिला नहीं तो मैंने ऑनलाइन ही मंगाया, वो भी आया नहीं है। स्कूल का भी कैलकुलेटर नहीं है साइंटिफिक वाला, उसमें तो ई का बटन मैम होता एक्चुअली मैंने कभी कॉमर्स पढ़ी नहीं, मैं साइंस में स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। है। अच्छा, तब फिर आई वुड सजेस्ट कि एक बार यू डोंट ट्राई पॉइजन। कैलकुलेटर आना तो उसके, क्योंकि पॉइजन के हर सम में यू विल रिक्वायर ई का वैल्यू, एंड अगर आप ई को वो 2 पॉइंट जो वाला वो वाला वैल्यू यूज करके इफ यू डू, तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो आप मेरे को बस फॉर्मूला बोलो, क्या फॉर्मूला है आपका?
लैम्बडा रेस टू पावर एक्स मतलब 1.8 रेस टू पावर 4। भगवान, ये मैं कहाँ पहुंच गए, एक सेकेंड। बोलो। 1.8 रेस टू पावर 4 हम्म, ई रेस टू पावर माइनस 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। बाकी लोग का क्या है, कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्मूला में वैल्यूज डालना है। ई टू द पावर माइनस लैम्डा था, नॉट माइनस एक्स। दिस शुड बी क्लियर है। ई टू द पावर माइनस फोर नहीं होगा क्योंकि पीडीएफ में ई यस मैम, लैम्डा वो है। मैम वही लिखा था मैंने, गलती से बोल आंसर दिया। आंसर 0.072 आएगा। हाँ, वेरी गुड। सेकंड पार्ट कौन मिलेगा, अदिति बोलेगी सेकंड पार्ट क्या होगा। 1.8 to the power 1 into e to the power -1.8 upon factorial 1। नहीं, प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं, पहले अदिति ये बोलो मेरे को। 1, 2, 3 मतलब 1, 2 1 to infinity पूरा वैल्यूज ले सकते हैं, यस मैम, और कौन सा वैल्यू नहीं ले सकते हैं? लेस देन 1। कितना होते हैं less than 1? कौन, 0 से infinity तक ही जा सकते हैं, मतलब सिर्फ 0 ही नहीं ले सकते हैं। पॉइजन का यही तो मैंने बोला कि पॉइजन में एक्स कैन टेक 0 to infinity, विच मीन्स यहाँ पे सेकेंड पार्ट में सिर्फ 0 नहीं लिया जा सकता है। तो इंस्टेड ये तो पॉसिबल है नहीं कि हम लोग कैलकुलेट करें प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2 प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, ये तो कैलकुलेट कर नहीं सकते। तो हम लोग उल्टा मेथड ट्राई करेंगे कि प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 नहीं हो सकते हैं, विच मीन्स करेक्ट ना। तो अब 0 के लिए हम लोग निकाल सकते हैं और उसको 1 से माइनस कर सकते हैं। सिमिलरली अदिति पहले बोलो कि इसका क्या होगा, इसमें कौन कौन सा वैल्यूज ले सकते हैं एक्स। 2, 3, 4 टू थ्री फोर ले सकते हैं। तो यू विल हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स इक्वल टू 3 प्लस एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, बता मेरे को पार्ट 2 बोलो और पार्ट 3 होमवर्क। पार्ट 2 का आंसर क्या होगा ये बोलो।0.1652 जीरो पॉइंट मार खाओगे, इतना जोर से मार खाओगे। 1 से सबट्रैक्ट कौन करेगा उसको? हाँ, ये 0.8348 बोलो 1 से सबट्रैक्ट भी तो करना आएगा ना, और यस मैम। थर्ड पार्ट का आंसर आना चाहिए 0.5008। घर पे ट्राई करना, नहीं आया तो बोलो। अब पॉइजन में वेरी इजी वेरी नाइस, क्योंकि तुम लोग एक्चुअली में जब आगे हो ना, तुम लोग को प्यार हो जाएगा ये डिस्ट्रीब्यूशन से, क्योंकि एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इतना वाइडली यूज है, इतना वाइडली यूज है कि देर इज नो लिमिट, एंड इट इज सच एन ईजी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीन क्या है? लैम्डा। वेरियंस क्या है? लैम्डा। तो कुछ फॉर्मूला या कुछ भी याद नहीं करना है,
एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज लैम्डा एंड वेरिएंस ऑफ x इज आल्सो लैम्डा. कॉपी कर लो ये जल्दी से. हो गया कॉपी? यस मैम. यस मैम. अब जब आई से कि इफ आई एम स्टडिंग लेट्स से कि एयरपोर्ट में एक घंटा में कितना फ्लाइट्स टेक ऑफ कर रहे हैं, तो एक सेकेंड रुक जाओ, आई एम कमिंग इन वन सेकेंड. हाँ, तो इफ आई से कि आई एम कंसिडरिंग कि एक घंटा में एयरपोर्ट से कितना फ्लाइट्स टेक ऑफ कर रहे हैं, तो आई से कि एक्स फॉलोज पॉइसन 5. इसका मतलब क्या है? एट एन एवरेज 5 फ्लाइट्स टेक ऑफ कर रहे हैं एक घंटा में. यस मैम. तो नाउ अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है कि एट एन एवरेज, या फिर अगर मेरे को ये कैलकुलेट करना है कि एट एन एवरेज 3 घंटा में कितना फ्लाइट टेक ऑफ कर रहे हैं, तो वो क्या फॉलो करेगा? मतलब अगर x डिनोट कर रहे हैं एक घंटा में कितना फ्लाइट और y डिनोट कर रहे हैं 3 घंटा में कितना फ्लाइट, तो क्या लगता है वो कितना होना चाहिए उसका पैरामीटर? 15 होगा. क्यों? क्योंकि 3 घंटा में 15 फ्लाइट्स टेक ऑफ कर सकते हैं. यस मैम. दिस इज कॉल्ड पॉइजन फॉर्मूला का एक स्पेशल फीचर होता है कि हम लोग यूनिट्स चेंज कर सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पे हम लोग एक घंटा का किए. इफ आई आस्क यू कि लेट्स से 30 मिनट्स में कितना फ्लाइट्स टेक ऑफ कर सकते हैं, 2.5. तो हम लोग क्या किए, हम लोग आर से मिनट्स में आए. यस मैम. तो दिस इज पॉइजन का एक स्पेशल फीचर कॉल्ड चेंजिंग यूनिट्स. जैसे यहाँ पे पर आर 4 कॉल्स आ रहे हैं, तो पर 5 आवर्स के लिए पॉइजन 20 हो जाएगा. क्लियर है? यस मैम. यस मैम. पॉइजन का एक और फीचर होता है, जैसे कि मान लो आई एम एन इंश्योरेंस कंपनी, तो आई विल ऑब्वियसली गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स हर इंश्योरेंस कंपनी. कार इंश्योरेंस भी दे सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस दे सकते हैं, होम इंश्योरेंस दे सकते हैं. तो मेन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योरेंस कंपनीज यूज करते हैं. तो इन लोग क्या करते हैं कि मेरे को पता है कि एक दिन में मेरे पास कार इंश्योरेंस का एट एन एवरेज 4 क्लेम्स आ सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का 8 क्लेम्स, होम इंश्योरेंस का 2 क्लेम्स. तो मेरा कार इंश्योरेंस विल फॉलो पॉइजन 4, लाइफ विल फॉलो पॉइजन 8, एंड होम इंश्योरेंस विल फॉलो पॉइजन 2. तो इफ आई आस्क यू कि टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स, किसी भी वैरायटी का हो सकता है वो, टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स कितना आ रहा है एक दिन? 8 प्लस 4 प्लस 2. 8 प्लस 4 प्लस 2 मतलब 14. यस मैम. तो इफ
एक्स डिनोट्स टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स जो आ रहा है मेरा, सो दैट विल फॉलो, सो दैट विल फॉलो पॉइजन 14, राइट? यस मैम, यस मैम। ये पॉइजन प्रोसेस का या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेशल फीचर होता है, विच इज द एडिटिव प्रॉपर्टी। तो पॉइजन में क्या क्या हो सकता है, दो चीज स्पेशल कि उसमें हम लोग यूनिट्स चेंज कर सकते हैं एंड उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट है? नो मैम, नो मैम, सब क्लियर है आज जो भी किया? यस मैम, यस मैम। तो आज एक बार हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास हम लोग पॉइजन का थोड़ा सम्स करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू ऑल, बाय। थैंक यू मैम, बाय मैम।